नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले के सांसद कमलनाथ की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय में जिला विकास समन्वय और दिशा समिति की बैठक हुई। बैठक में सांसद कमलनाथ ने कहा कि किसी भी योजना की उपलब्धि और लक्ष्य पूर्ति को ध्यान में रखकर अधिकारी सेवा भाव से काम करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए प्लान बनाएं। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह, कमलेश शाह, सोहन लाल वाल्मीक और जतन उइके, समिति के अन्य सदस्य कलेक्टर वेद प्रकाश और जिला पंचायत सीओ रोहित सिंह सहित सभी संबंधित जिला विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। यश फाउंडेशन के सहयोग से स्थानीय अंडरग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सांसद कमलनाथ ने 50 पानी के टैंकरों का वितरण किया। इस दौरान दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र जहां पानी की गंभीर समस्या है, वहां पर ये टैंकर वितरित किए गए। गौरतलब है कि अभी तक 452 टैंकर यश फाउंडेशन के सहयोग से दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में बांटे जा चुके हैं। नगर निगम सभा कक्ष में आज असंगठित मजदूर योजना के संबंध में बैठक हुई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह ने की। उन्होंने कहा कि सभी वार्ड में हर रविवार असंगठित मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। बैठक में महापौर कांता सदरंग, निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी, नगर निगम के सभी सभापति, पार्षद और समिति सदस्य मौजूद रहे। सातवें वेतनमान की मांग को लेकर काम बंद कर विरोध जता रहे छिंदवाड़ा नगर निगम के कर्मचारियों ने आज भी काम बंद कर प्रदर्शन किया। अपने आंदोलन के दूसरे दिन आज छिंदवाड़ा नगर निगम के कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें भी सरकार सातवें वेतनमान का लाभ दे, साथ ही 2016 तक के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करें। लगातार सुर्खियों में बने रहने वाला जिला अस्पताल फिर नई सुर्खियां बना रहा है। इस बार अस्पताल में अव्यवस्था और गंदगी सहित कई ऐसी कमियां सामने आई हैं जो जिले के अस्पताल की पोल खोलती नजर आ रही हैं। यहां पर एक तरफ इतनी गंदगी है कि यहां पर मरीजों को भर्ती करना तो दूर, यहां कोई बैठ भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन मौन साधे हुए है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण मरीजों को घंटों घंटों बैठकर इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ आकस्मिक ऑपरेशन थिएटर में हमेशा ताला लगा रहता है और यहाँ पर लगाई गई ईसीजी मशीन भी खराब पड़ी है। जब इन सब बातों को लेकर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जेएस गोगिया से बात की गई तो शिकायत सुनने के बजाय मीडिया को ही गलत बताया। उन्होंने कहा कि मीडिया वाले नेतागिरी करना बंद करें। कोचिंग सेंटर्स में चल रहे शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आज प्रदेश स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर ने सभी विजेता टीम को पुरस्कृत किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ईएमएस टीवी। नमस्कार।